नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसीईआरटी के लाइव फोन इन कार्यक्रम में। मैं हूं तन्वी खुराना। नवी कक्षा के सभी छात्र इस वक्त हमारे साथ हिंदी का ये कार्यक्रम देख रहे हैं, जिसपे हम बातचीत करने वाले हैं चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा पर। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। हमारा ईमेल आईडी है dth.class9@cit.nic.in। आप हमें इस वक्त लाइव देख रहे हैं पीएमई विद्या चैनल नंबर 9 पर। और अगर आप हमारे कार्यक्रमों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट कीजिएगा, स्वयंप्रभा और सीआईईटी की वेबसाइट, जहां आपको हमारे सभी कार्यक्रम की जानकारी उपलब्ध मिलेगी। हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं जो हमें इस कविता के बारे में जानकारी देंगे। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर प्रमोद दुबे। स्वागत है सर। सर हैं भाषा शिक्षा विभाग एनसीईआरटी नई दिल्ली से। तो आइए सर से ही जानते हैं कि आज हम इस कविता में क्या पढ़ने वाले हैं। सर, चंद्रकांत देवताले की एक कविता यमराज की दिशा। यह कविता आप देखेंगे कि तुकांत नहीं है, यानी सामान्यतः आप पढ़ेंगे तो यह लगेगा कि आप गद्य पढ़ रहे हैं। कई हमारे ऐसे शिक्षक और कविता के प्रति प्रेम रखने वाले लोग भी हैं जो अतुकांत कविताओं को कविता की तरह नहीं देखते हैं, यह भी कोई कविता है ऐसा कहते हैं। तो आज आप बिल्कुल एक अमूर्त, जिसके छंद लय ताल सब कुछ अंतर्भूत है, इसमें समाहित है, ऐसी कविता पढ़ेंगे और तलाश करेंगे कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले चंद्रकांत देवताले का परिचय पुस्तक में दिया हुआ है, फिर भी साठोत्तरी कवियों में, मैंने 70-80-90 इस ज़माने में, 1970 से लेकर 80-90 के ज़माने के जो कवि हैं उन सभी लोगों को साठोत्तरी कवि के रूप में जाना जाता है। इस समय की क्या विशेषता है? इस समय की विशेषता यह है कि दुनिया भर में आधुनिक विज्ञान, जो अब तक केवल यह माना जाता था कि इससे हमारी उन्नति होगी, गरीबी दूर होगी, संसार में सबकी भूख मिटेगी, अज्ञान मिटेगा, ये भ्रम टूट गया। क्यों टूटा? आप जानते हैं कि हिरोशिमा नागासाकी में बम विस्फोट हुआ था, लाखों लोग मरे थे। उसके बाद पर्यावरण संबंधी चिंताएं, यानी जो औद्योगिक शहर थे उसमें केवल वातावरण धुआं और जहरीला नहीं हुआ, धुएं से भी एक भयंकर घटना हुई और वो थी तेजाब की वर्षा। दुनिया ने पहली बार देखा कि तेजाब की वर्षा हो रही है। औद्योगिक जो नगर हैं उसमें, उनमें बहुत सारे लोग, पेड़ पौधे, आदमी, जीव जंतु उस तेजाब के वर्षा से जल गए। भारी चिंता का विषय है कि जिस विज्ञान को हमने ये समझा था कि समाज का उद्धार करेगा, विश्व का विकास करेगा, उसी के दुष्परिणाम सामने आ गए। पर्यावरण संबंधी चिंताएं, क्योंकि जैसे पानी वाष्पीकृत होता है वैसे ही फैक्ट्रियों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी, अन्य एसिड भी वाष्पीकृत होते हैं, उनका वाष्प बनता है बादल की तरह, वह भी आकाश में छा जाते हैं और उनकी भी वर्षा होती है,
और उस बरसात से शुद्ध वर्षा का जल नहीं तेजाब बरसता है। तो ये जो विकास हो रहा था 70 के दशक में, उसके दुष्परिणाम दुनिया ने देखे। एक प्रगतिशील कवि, और वह भौतिक विकास के प्रति भी सजग है, परंपराओं के प्रति इतना बद्ध नहीं है, इतना उससे उसके दबाव में नहीं है कि नई सोच को जगह ना दे। ऐसे कवि चंद्रकांत देवताले, जो मध्य प्रदेश में सुदूर जो ग्रामीण क्षेत्र है जौलखेड़ा, जिला बैतूल में उनका जन्म 1936 में हुआ था। तो ग्रामीण परिवेश से, पारंपरिक परिवेश से आने वाला यह कवि एक तरफ तो अपनी परंपरा से परिचित है, माँ कहती है उसको सुनो भाई, दक्षिण में पांव रख के मत सोना, ऐसे कहती है जैसे कि सचमुच वो जानती हो कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तो इस कविता को आप सुनिए, सुनने का मतलब सुनना, सामान्य ढंग से जैसे हम बातचीत करते हैं और कहते हैं कि माँ, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था, उसने बताया था कि तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में माँ की समझ समझाइश, देखिए एक समझाइश शब्द है जो इधर नहीं चलता है लेकिन छत्तीसगढ़ में चलता है, समझाना एक क्रिया है ना, उससे ये समझाइश बना, उसके द्वारा समझाई हुई बात, परामर्श की दी हुई बात, समझाना थोड़ा और गंभीर विषय है। तो माँ की समझाइश मैंने माँ की बताई हुई बातें, माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया और इससे इतना फायदा जरूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई, दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना तो यमराज का घर देख लेता, अगर दक्षिण के बिल्कुल छोर पर पहुँच जाता तो यमराज का घर देख लेता। अब देखिए यहाँ तक तो सामान्य सामान्य सी बातें हो रही हैं कि दक्षिण की दिशा में पांव नहीं रखना चाहिए, उधर यमराज होते हैं आप सब जानते हैं, दक्षिण की दिशा में पांव करके नहीं सोया जाता, उत्तर सिर करके नहीं सोया जाता। यानी जब तक जान है, जब तक मनुष्य जिंदा जीवित है, तो हमारे समाज की एक परंपरा है कि उसमें ये बताया जाता है कि सिर जो है वो उत्तर मत करना, पांव जो है वो दक्षिण मत करना, जब शरीर मृत हो जाता है, शव हो जाता है, तब ऐसा किया जाता है। उसमें मामला ये है कि मनुष्य का जो सिर है वह उत्तर पोल जिसको कहते हैं ना, आप चुंबक जानते हैं, तो चुंबक में नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं, तो उसका जो सिर होता है वह उत्तर
और पाँव जो होता है वो दक्षिण होता है। इसी तरह से इस पृथ्वी में भी जिसको ध्रुव कहते हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव दो बने हुए हैं, जिससे कंपास की सुई उस दिशा में आप देखे होंगे कि टिक जाती है, उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। उसी तरह चुंबक में है, उसी तरह शरीर में भी है। विज्ञान के द्वारा सब लोग परिचित हो सकते हैं इस विषय से। तो दो समान ध्रुवों में विकर्षण होता है और असमान ध्रुवों में आकर्षण होता है। इसलिए चुंबक को जब रखते हैं तो उलट कर रखते हैं, यानी दो चुंबक एक साथ जब रखेंगे तो दक्षिण ध्रुव की ओर उसका उत्तर ध्रुव कर देंगे और उत्तर ध्रुव की ओर दक्षिण ध्रुव कर देंगे। इससे क्या होता है कि वो डिफ्यूज़ नहीं करता, उसकी ऊर्जा संतुलित रहती है। यही विज्ञान पृथ्वी पर सोने के संदर्भ में हमारे समाज में प्रचलित है कि समान ध्रुवों में विकर्षण ना हो, ऊर्जा का क्षय ना हो, इसलिए उत्तर सिर करके नहीं सोना चाहिए। इस परंपरा की बात को एक कवि ने अपनी कविता में किस तरह से लिया है कि कहता है कि मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, मैंने अपने ही देश के दक्षिण प्रांतों में या और भी दक्षिण में और दक्षिण में, और मुझे हमेशा माँ याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव तो नहीं हुआ, होता अगर संभव होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। यहाँ तक कविता का कलेवर है, असली बात पर अब आ रहा है। पर आज जिधर भी कर पैर करके सोवो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलिशान महल हैं और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। जितनी दिशाएं हैं, चारों दिशाएं हैं, उन सब में यमराज के आलिशान महल खड़े हैं और वे सभी में यमराज एक ही साथ रहते हैं और अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। मैंने उसमें चारों तरफ यमराज ही यमराज, चारों तरफ जो आलिशान महल बने हैं, यानि आधुनिक जो विकास हुआ है, जो शहरीकरण हुआ है, इसके खिलाफ बोल रहे हैं वो, और वे सब में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी कि केवल दक्षिण दिशा में ही यमराज रहते हैं, अब तो चारों दिशाओं में रहते हैं। कथानक पूरा हुआ और कविता कहाँ ठहरी? आखिरी भाग में, पर आज जिधर भी पैर करके सोवो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। जिधर भी जाओ, ये शहरीकरण इस तरह से है कि हर तरफ मौत नाच रही है। मनुष्य के अस्तित्व की कोई विसात नहीं है। सभी दिशाओं में यमराज का आलिशान महल है और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आँखों सहित विराजते हैं। कविता यहाँ जाकर अपना मुंह खोल देती है और बताती है कि हमारा प्रयोजन क्या है। बारीकी से देखिए कि इसमें क्या क्या है। यमराज है क्या? इस संसार में रहने के कुछ नियम बनाए गए हैं, नियम। तो इसमें यम है ना, नी हटाइए तो यम है, यही यम है। संसार में रहने के कुछ नियम होते हैं। यमराज की एक दिशा होती है, यानी अगर आप यमराज के नियमों को नहीं मानते हैं तो आप उस दिशा में जाएंगे। अगर उनकी अवहेलना नहीं करेंगे
और यमराज के नियमों का पालन करेंगे। यम नियम आपने योग करते हुए आसपास सुना होगा, यम नियम। तो ये नियम आप मानते हैं, उसकी अवहेलना नहीं करेंगे, तो आपके इसी जीवन में आपकी प्रकृति, आपका जीवन, परिवार, सब कुछ संतुलित होगा। यानी किसी कानून की व्यवस्था तब आवश्यकता तब पड़ती है जब आप नियमों को तोड़ते हैं। आप अगर नियमों को मानते हैं, यम को मान लेते हैं, जो सृष्टि में एक नियम है उसको मानकर चलते हैं, तो सब कुछ सही रहता है। आप नचिकेता का नाम सुने होंगे, यम नचिकेता का संवाद आपस में हुआ, उस पर उपनिषद। मृत्यु के बाद जीव कहाँ जाता है? मरने के बाद भी कुछ होता है क्या? नचिकेता ने यह प्रश्न किया था, यमराज ने उसका उत्तर दिया। ये दूसरी स्मृति, जैसे यम की स्मृति दिया जो परंपरा में है, और माँ ने कहा है, माँ ने ऐसे कहा है जैसे ईश्वर से उसकी भेंट मुलाकात है, वो सब कुछ जानती है इस संसार में कैसे रहना है, क्या करना है, यमराज। दूसरा है कि यम की दिशा क्या है, यानी प्रकृति को विकृत बनाने की दिशा क्या है, अपराधीकरण की दिशा क्या है, इसको कर दिया। और इसी में आपको याद दिलाया कि नचिकेता नाम का एक ऋषि बालक यमराज से संवाद कर रहा है सत्य जानने के लिए। एक यादों की दुनिया में ले जाता है कवि, स्मृतियों की दुनिया में ले जाता है, परंपरा से प्राप्त जो आपको निर्देश है उसके बारे में बताता है कि माँ कैसे कहती है, हमारे पूर्वज कैसे कहते थे। और उसके बाद जब कविता का कलेवर बन जाता है, उसका कथानक तैयार होता है, तब इसकी अंतर झंकृति उसमें से फूटकर बाहर निकलने वाला संदेश क्या है, इस पर कवि सबका ध्यान आकर्षण करता है। जो विचारणीय विषय है वो कविता के कथन में नहीं है, कविता की झंकृति में है। मनुष्य की जो प्रवृत्तियां हैं वे प्रवृत्तियों में दोषपूर्ण होगा मनुष्य तो उसे यम का दंड लगेगा, ये सामान्य कथन है गांव का। लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो समाज में नियम बनाए गए हैं, जीवन में जो नियम बनाए गए हैं, उनका अतिक्रमण करने से आपका नुकसान होता है। यह जब कहता है कि आलीशान महल, चारों तरफ यमराज के आलीशान महल बने हैं, तो वह यह कहता है कि ये जो भौतिक विकास हुआ है, मनुष्य में जो असीमित भूख जगी हुई है, वह भूख उसके विनाश का कारण बन रहा है। अर्थ की कमी नहीं है, मनुष्य को जीने के लिए जितनी चीज़ों की आवश्यकता है वह उसको प्राप्त हो रहा है, लेकिन उसकी जो असीमित तृष्णा है, असीमित जो भूख है, अनलिमिटेड डिजायर है, यही पर्यावरण प्रदूषण और समाज में अपराधीकरण का कारण है। ये सारा संदेश इस कविता के अंतर्नाद में छिपा हुआ है। इस कविता को जैसे हम उस भाव भूमि में डूबकर पढ़ेंगे, संगोष्ठियों में जैसे पढ़ते हैं, तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि इस कविता का अंतर गूंज क्या है, अंतर संदेश क्या है, इसके रचाव के भीतर कौन सी खूबसूरती है। बार बार पढ़कर अनुभूतियों में इस कविता को उतारने के बाद यह समझ में आता है कि मनुष्य को अपनी सीमा में रहना चाहिए और उन तमाम नियमों को मानना चाहिए
जिससे संसार सुखद बने, आनंददायी बने। सर, बहुत ही रोचक कविता हमें मालूम हो रही है, लेकिन हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, आखिरी के 2 मिनट रह गए हैं, तो क्या हम इसे अगली कार्यक्रम में? ये कविता पूरी हो गई है। दूसरा ये है कि किसी का कोई प्रश्न हो तो वो फिर किसी संवाद में पूछ सकता है। जी सर, अभी कोई सवाल नहीं है हमारे पास, लेकिन आपने जितनी भी हमें जानकारी दी उसे सुन के हमें बहुत अच्छा लगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे जितने भी दर्शक हैं जिन्होंने ये कविता नहीं पढ़ी होगी वो अब घर जाकर इस कविता को ज़रूर पढ़ेंगे, और मैं भी एक बार इसे पढ़ना ज़रूर चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ ये कविता पढ़ने और समझने के लिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। थोड़ी देर में हम हाजिर होंगे अपना एक और खास कार्यक्रम लेकर, वेबिनार ऑन ICT टूल, और हम बातचीत करेंगे सोशल मीडिया हाइजीन पर। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।